मैं अभी मौजूद हूँ औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर में और यहाँ पर एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। आयोजन करता है डॉक्टर प्रकाश चंद्रा और ये जो पीले टी शर्ट में आप देख रहे होंगे डॉक्टर रजनीश कांत हैं। नाम का तो मोहताज नहीं है, शायद वीडियो आपने इनको देखा होगा। कायरोप्रैक्टिक थेरेपी से इलाज करते हैं या हिंदी में बोले तो हार्ट वैद्य हैं और ये किसी भी प्रकार का पेन दर्द का इलाज करते हैं, हड्डी में, मांसपेशी में, गर्दन में कहीं का दर्द हो। इनकी विधि अलग है, हार्ट वैद्य से इलाज करते हैं और आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से मांसपेशियों को खींच करके, हड्डियों को खींच करके और नसों को दबा करके ये इलाज करते हैं बिना दवा के। आपने कई वीडियो देखे होंगे डॉक्टर रजनीश कांत का और इसी तरह से ये अपना इलाज करते हैं, कोई दवा नहीं। मैं बता दूं कि इनके 10,000 फीस होता है और परंतु इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में आए हुए हैं और फ्री में सेवा दे रहे हैं और हज़ारों लोगों को इन्होंने ट्रीटमेंट किया। इनका दावा है कि 2 से 3 बार में किसी भी प्रकार के दर्द शरीर में हो, पेन हो, मांसपेशी में हो, जोड़ों का दर्द हो, ठीक कर देते हैं। आपने इनके कई वीडियो भी देखा होगा और देखिए आप वीडियो में किस तरह से शरीर को, अंगों को ये खींच खींच करके बैठा रहे हैं। आइए सुनते हैं और बात करते हैं कि किस प्रकार से इलाज करते हैं। योगदान है उन लोगों के तक मैसेज पहुंचाने के लिए। जी जी। बाकी का जो रहा हमारा ट्रीटमेंट अभी देख ही रहे हैं। जी जी। ये विदाउट मेडिसिन, इसमें कोई भी मेडिसिन का ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो इस कैंप का जो आयोजन करता है जी जी। प्रकाश चंद्रा जी, जी जी, तो उनका तो बहुत सारा आभार क्योंकि मुझे यहाँ पे लाए और इतने सारे लोगों को मतलब वो सेटिस्फाइड किए, खुश किए और सब लोग जो दर्द से पीड़ित थे बिना दवा के वो ठीक हो रहे हैं। अभी जो रिजल्ट अभी आप लोग देख रहे हैं वीडियो में वो सब तो देख ही रहे हैं। और बाकी का जो है मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि मेरा जो ये मुहिम जो है, मेरा एक छोटा सा कदम जो है, आप लोग के सपोर्ट चाहिए। मैं बस पेन फ्री इंडिया करना चाहता हूँ बिना मेडिसिन। अच्छा, तो आप लोग ये मतलब मैं पहल बस बिहार से किया मैं स्टार्ट जी जी। तो इसमें आप लोग योगदान चाहिए और इस टाइप से मैं पहले भी बोला था कि कोई भी स्पॉन्सर मुझे करता है तो मैं जाऊंगा और लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट करूंगा और इससे बड़ा मैं उन लोगों को अवेयरनेस कैंप भी मतलब कराऊंगा कि मतलब कि मेरा जो ट्रीटमेंट है फिजिकल ट्रीटमेंट है। देख सकते हैं हम लोग एक दिन में 200-400 जो बात किया तो बहुत ज़्यादा हो गया। अभी अभी कितना तक देख चुके हैं? अभी तो मुझे लगता है कि 100+ हो चुका है। जी जी। अभी कब से हम लोग दिए 10 बजे से लगे हुए हैं, 100+ हो चुका है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं, मेजर सारे जो जॉइंट्स हैं, जो प्रॉब्लम है मैं कर रहा हूँ, बाकी वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका भी शुक्रिया। और जो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो ट्रीटमेंट है बस मुझे सपोर्ट कीजिए और बाकी मैं इसको बिहार में करना चाहता हूँ। उन लोगों तक भी ये मैसेज जाएगा, मैं ऑनलाइन भी जाकर के समझाऊंगा कि ये जो अगर जो बैठने का, चलने का, उठने का ये सब प्रॉब्लम मतलब जो सही तरीके से हम लोग सीख लिए तो उन लोगों को मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। जी जी। तो ये अभी चल रहा हम लोग का। अच्छा, आपने YouTube पर जर्नी 4 मिलियन कर लिया, 4 मिलियन करने में पता है कि कितना समय लोगों को लगता है, मगर आपने कितना दिनों में कर लिया और इतना बड़ा प्यार आपको मिल रहा है। हमने वीडियो को चेक करके देखा और आपका दीवाना तो हम पहले से ही थे, मगर यहाँ प्रकाश भैया जब बोले कि नहीं हेमराज आ जाना तो मुझे बहुत खुशी हुआ क्योंकि मैं कहीं और था। अगर आया मैं यहाँ पर, मैं अपनी टीम के साथ आया हूँ। तो 4 मिलियन+ कैसे कर लिए आप? देखिए सर, 18 में जो मैं सोचा कि अब मैं जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो इसको क्यों ना मतलब लोगों तक पहुँचाने का सबसे बड़ा सोर्स अभी जो है हमारा सोशल मीडिया ही है। जी जी। क्योंकि हर एक वो हाथ में मोबाइल फ़ोन है और कोई ना कोई यूट्यूब वगैरह देखता है। बच्चे भी हमारे हैं तो यूट्यूब देखते हैं, बड़े भी हैं तो यूट्यूब देखते हैं और जनरल से कुछ भी हमारे प्रॉब्लम होता है तो हम लोग यूट्यूब सर्च करते हैं। जी जी। तो मैं सोचा कि 18 में मैं एक दो वीडियो अपलोड किया कि देखते हैं क्या है, लेकिन जब मैं देखा तो पहले क्या है 18 में मतलब कि बहुत कम, इंडिया में लगभग कोई लोग इस टाइप से प्रैक्टिस नहीं करते थे। लेकिन 18 के बाद जब मतलब मेरे कुछ स्टूडेंट भी बने तो उसके बाद में उसमें अब क्या है कि अब वो काफ़ी अब देखते हैं कि इंडिया में पकड़ लेना पैर।
सारे पब्लिक के बारे में सोचे तो मैं तो बस इसको प्रैक्टिकल व्यू से नहीं देखें, बस एक मानव सेवा व्यू से देखें, क्योंकि ये जो है मानव सेवा जो कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे तक नहीं आ सकते थे। मेरी इनसे बात हुई, फिर ये बोले कि ऐसा ऐसा करना है आपको हमारे क्षेत्र में, मैंने हाँ बोला और आकर के मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो कदम उठाए हैं ऐसे कोई और भी उठाए तो बिहार के हर एक वो डिस्ट्रिक्ट में मैं करूँगा इस टाइप से सेवा, और इसके लिए जैसे भी हो हमसे कॉन्टैक्ट करें। एक चीज़ और सर, कि जैसे कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना बता देंगे, वो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा यूट्यूब पर वीडियो चलता है, वो नीचे में फ्लैश करते रहता है, उस पर थोड़ा कोशिश करना एक दो बार लग जाता है। अच्छा, ऐसे जो मानव है बहुत ही कम मिलते हैं, मगर ये आपसे संपर्क कैसे आ गए? देखिए पहले क्या था कि हम लोग दोस्त हैं, लेफ्ट साइड में हर पटोल में दर्द है, तो कहीं ना कहीं इनको सर्वाइकल से प्रॉब्लम होगा, जैसे कि मैं इनको फील कर पा रहा हूँ, इनको सर्वाइकल 4 और 5 में प्रॉब्लम है। कोई रिपोर्ट दिया क्या आपके पास? कोई रिपोर्ट है? शुगर है सर? शुगर नहीं, एकदम लूज छोड़ देंगे आप, बस लूज एकदम लूज छोड़ेंगे आप एकदम लूज बस ऐसे ही आपको उधर घूम सकते सर। इस इलाज में दवा की जरूरत पड़ती है या सिर्फ पटेटम की? दवा की जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत सारे ऐसे रेयर केस में होता है क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी का विटामिन्स वगैरह कम होता है D3 B12, तो वैसे कंडीशन में चलता है, बाकी वैसे पेन किलर हम लोग नहीं देते हैं, पेन किलर जो खाते हैं काफ़ी टाइम से उन लोग को हम लोग पेन किलर छुड़वा देते हैं। अगर सर इनको इलाज से आराम मिलता है तो कितनी बार आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? मिनिमम हमारे पास 3 टाइम आते हैं आने होते हैं मिनिमम, और उसके बाद डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है क्या है, किसी का 1 बार में ठीक हो जाता है, किसी का 5 बार में आना होता है, तो वैसे बस सब लोग सेशन जैसा अलाइनमेंट जैसा कंप्रेशन होगा वैसा ट्रीटमेंट होगा। सर अभी तक आपके जीवन में क्या बिना दवा से गंभीर जो दर्द है उसको छुटकारा मिल गया? बहुत काफ़ी ऐसे ऐसे लोग हैं जो चल नहीं पाते थे वो आज चल पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सीपी चाइल्ड जो सेरिब्रल पालसी वाले वो नहीं चल पाते थे वो आज चल पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुझे अगर देखा जाए तो मोर देन 20-40,000 जो है सेटिस्फाइड पेशेंट है जो कि खुश है हमारे ट्रीटमेंट से। सर इस इलाज को लोग किस नाम से जानते हैं? इस इलाज को अगर देखा जाए तो कैरोप्रैक्टिक जो नाम से जाने जाते हैं इंडिया में क्या पूरा वर्ल्ड में, ये कि कैरोप्रैक्टिक टेक्निक है जो कि बिना मेडिसिन बोन को अपने जगह पर लाइन करके बीमारी को ठीक करा जाता है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन किया जाता है। सर आपने एक बताया था कि दिनचर्या उठने बैठने में अगर सावधानी बरती जाए ग्रामीण क्षेत्र में जो उन लोग से है कि अभी हम लोग क्या है कि बहुत हैवी पिल्लो लेते हैं, सोने का बैठने का तरीका गलत होता है, तो उसको अगर हम लोग सुधार कर लें तो ये काफ़ी ये बीमारियों से बच सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रजनीशकांत के नाम से है, डॉक्टर रजनीशकांत जैसे आप सर्च करेंगे मेरा चैनल आएगा, उसके बाद में आप उस पर बहुत सारा जानकारी बहुत सारे मतलब अपडेट्स आपको मिल सकते हैं, इंस्टा पेज भी है मेरा और ये है फेसबुक पेज भी है, उस पर भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है। अच्छा अभी तक कितने बड़े जो हीरो हीरोइन हैं उनको इलाज किए? देखिए सर अभी क्या है जैसे मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे अपने भाइट्स नहीं भी देते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट कराते भी हैं, तो अभी देखा जाए तो बॉलीवुड में आपके अनु मलिक हो गए या आपके या क्या कहते हैं जो हमारे जो बिहार के जो हैं चिराग पासवान जी, ये तो मतलब ये तो सब पॉलिटिशियन, लालू यादव जी होंगे, राबड़ी देवी जी होंगे, तेजस्वी यादव जी होंगे, खेसारी लाल हो गए, काजल राघवानी हो गई, और भी बहुत सारे जो लोग हैं ये ट्रीटमेंट के लिए आए, और आपके ये पंकज त्रिपाठी भी, तो सब लोग मतलब कहीं ना कहीं साउथ के भी बहुत सारे छोटे बड़े कलाकार आए, सब लोग ट्रीटमेंट लिया, लगभग सब लोग सेटिस्फाइड हुए। सो थैंक यू सर।